हे hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं फीडबैक चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप मोटिवेशन फोटोज बना सकते हो, ये कार्टून वाली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो दोस्तों, अगर आप ये फोटोज बनाना सीखना चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो में बने रहे और पूरा वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी मोटिवेशन फोटोज़ बना सकते हो। तो पहली ये वाली, ठीक है ना, तो कुछ इस टाइप की आप दोस्तों आप अपने मोबाइल से मोटिवेशन फ़ोटोज़ को बना सकते हो, वो भी कार्टून वाली। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये वाली जो ये फ़ोटो है, शायद आपने पहले कभी देखी हो इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी। तो यहाँ पे बस मैंने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज किया है और एक पिक चेंज की है फेस वाली। तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि किस तरीके से आप उसका टैग रिमूव करके और उसकी जो ये मोटिवेशन लाइंस वगैरह है उसको रिमूव करके और उसका जो ये फेस है उसको रिमूव करके किस तरीके से हम अपना बना सकते हैं, ठीक है जी। सो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, इस पिक्सआर्ट को आपने ओपन करना है, ठीक है ना। अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर ले, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्लस आइकॉन है, इस प्लस आइकॉन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एडिट इमेज पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपकी सारी पिक्स आ जाएगी। तो आपने यहाँ पे वो पिक्स ले लेनी है जो आपने एडिट करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने एक मोटिवेशन लाइन लिखी हुई है और अपने टैग दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, टूल्स पे क्लिक करना है। तो ये रहा वो टूल्स का ऑप्शन और यहाँ पे एक रिमूव का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। रिमूव पे क्लिक करने के बाद आपके सामने, सॉरी, यहाँ पे आपने पहले अपना इंटरनेट को ऑन कर लेना है। मैंने इंटरनेट ऑन नहीं किया था। तो यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करें और रिमूव पे क्लिक करें। रिमूव पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। तो सिंपल सा आपने करना क्या है, इस पर इस तरीके से करना है, इसको कलर करना है। जैसे ही आप कलर करेंगे उसके बाद यहाँ पे एक रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा, इस रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करें। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक जादू सा हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपने ये भी करना है रिमूव। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे रिमूव के ऑप्शन पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक जादू हो जाएगा, ये रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हम इसको भी कर लेते हैं रिमूव। कई बार हो जाता है अगर इंटरनेट में प्रॉब्लम हो, ऐसा हो जाता है। आप भी देख सकते हो दोस्तों, ये रिमूव नहीं हुआ प्रॉपर। कोई बात नहीं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने करना क्या है, सिंपल सा इसको बैक कर देना है, मतलब कि टिक के आइकॉन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा टूल्स पे क्लिक करें और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लोन का। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे रखना है और इस पॉइंट को थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देना है। उसके बाद आपने इस तरीके से इसे हल्का हल्का फेरना है और आप देख सकते हो ये आपका रिमूव होने लग रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों आप इसको ऐसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक टैग यहाँ पे भी है। तो हमने करना क्या है, दोबारा से एक पॉइंट को यहाँ पे रखना है नीचे और इसका साइज हम कम कर लेते हैं थोड़ा सा और इस तरीके से आप इसको रिमूव करें। दोबारा पॉइंट को नीचे रख लें और इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉपर रिमूव हो चुका है, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे रह चुका है। तो आप इसको भी क्लोन करके रिमूव कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना। जहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ पे रहता है तो इस तरीके से आप इसको रिमूव कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमने करना क्या है, मोटिवेशन लाइन लिखनी है। तो सिंपल सा आप प्ले स्टोर से, सॉरी गूगल से कोई भी एक मोटिवेशन लाइन को डाउनलोड कर लें। अगर आप खुद क्रिएटर हैं तो आप अपनी खुद की मोटिवेशन यहाँ पे लाइन ले सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी ली हुई है एक
मतलब कि यहाँ पे मैंने सेव की हुई है, तो मैं वहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे करना क्या है, टेक्स्ट पे जाना है और टेक्स्ट पे जाके वो लाइन को पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। और उसके बाद ये आपकी लाइन आ चुकी है यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ हम इसके लगा लेते हैं और इसका यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर का आइकॉन आप देख रहे होंगे और यहाँ पे ब्लैक कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा हम इसके क्या करेंगे, फ़ॉन्ट को बड़ा करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी तरह के फ़ॉन्ट हैं, जैसे कि ये रहा इस तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डबल कर लेते हैं। असफलता धीरे चलने पर नहीं, यहाँ तक कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी तरह के फ़ॉन्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे कोई भी फ़ॉन्ट है जो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। मैं ये वाला फ़ॉन्ट लेके देता हूँ, हाँ ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और भी काफ़ी हैं, ये भी ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आपने टिक के आइकॉन पे क्लिक करना है, ये रहा वो टिक का आइकॉन। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना टैग दे देना है। तो यहाँ पे मेरा टैग जो है, मैं टैग दे देता हूँ @PeepJack, और यहाँ पे ये लगा देते हैं और जैक, ठीक है जी। और अब यहाँ पे टिक के आइकॉन पे आप क्लिक करें और इसको यहाँ पे दे दें, जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे देना चाहिए तो वहाँ पे दे दें। मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे दे देते हैं, इसको ही आप डबल कर लें, डुप्लीकेट, ये रहा डुप्लीकेट का आइकॉन, फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। कलर ब्लैक कर लेता हूँ, एक डुप्लीकेट और कर लेता हूँ मैं, इसको हम लगाएंगे ऊपर, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब बात है, हमने इसका फेस चेंज करना है। अगर आप चाहते हो फेस चेंज करना तो चेंज कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इस तरीके से आप डाल सकते हो। लेकिन हमने तो भैया करना है इसका फेस चेंज, तो सिंपल सा करना क्या है, आपने एक PNG फेस वाली पिक बनानी है। तो पहले इसे हम कर लेते हैं सेव, ये हमने सेव कर लिया अपनी गैलरी के अंदर। अब हमने करना क्या है, इसको कट कर देना है और दोबारा से पिक्सआर्ट को ओपन करना है। तो दोबारा से हम पिक्सआर्ट को ओपन कर लेते हैं, ये रहा वो पिक्सआर्ट, और यहाँ पे प्लस आइकॉन पे आपने क्लिक करना है अगेन, और यहाँ पे हमने एडिट फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हमने क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक ऐड फोटो का, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने वो फ़ोटो ले लेनी है जो आप लगाना चाहते हो। तो आप अपने फेस के एंगल के हिसाब से वो फ़ोटो को लेना है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो मैं देख लेता हूँ, ये रहा वो फ़ोटो एक नंबर का, तो ये आप फ़ोटो देख लो। उसके बाद हमने यहाँ पे कटआउट पे क्लिक करना है, ये कट वाला आइकॉन है कटआउट वाला, और इसको बड़ा कर लेते हैं हम, और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको कटिंग करना है इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये फ़ोटो देखो कट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, साइड वाली जो लाइन है ना, उसको थोड़ा सा एक बार से दोबारा ड्रॉ कर लेना है, रिस्टोर कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से, ताकि दिक्कत ना आए बाद में, ठीक है ना। ये हो चुकी है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा हम इसको नीचे से भी कर लेते हैं परफेक्ट, ठीक है, और इसको कर लेते हैं फालतू को इरेज, ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको करते हैं सेव,
हमारी यहाँ पे ये पिक आ चुकी है, ठीक है जी। इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से टिक। उसके बाद यहाँ पे एक आएगा ऑप्शन दोस्तों, ड्रॉ का आइकॉन आएगा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये रहा ड्रॉ, और ड्रॉ पर जाएँ आप, और यहाँ पे हमने दोस्तों अब करनी है इसकी एडिटिंग। तो सिंपल सा आपने करना क्या है, पहले आईब्रो को हम एडिट कर लेते हैं, यानी कि इसके ऊपर आपने कलर फेरना है। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर कलर फेर देता हूँ। जितना आप अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है जी। तो मैं दोस्तों फटाफट से ये चीज़ें कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों फ़ोटो हो चुकी है हमारी रेडी, आप देख सकते हैं। तो हम इस फ़ोटो को कर देते हैं नीचे वाली को क्लियर इस तरीके से, ताकि बैकग्राउंड वाली फ़ोटो क्लियर हो जाए, और हमारी ये कार्टून वाली फ़ोटो को हम करेंगे अपनी गैलरी के अंदर सेव। तो इस तरीके से आप सेव कर लें। सो उसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है, ये फ़ोटो ले लेनी है और यहाँ पर ऐड फ़ोटो पर क्लिक करना है, और वो फ़ोटो जो आपने अभी फेस बनाया था वो यहाँ पर ले लेना है। और उसके बाद इसको हम रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका फेस उस साइड है ना, तो इस तरीके से हम इसके फेस के ऊपर फेस लगा देते हैं इसको जूम करके। तो अभी ये सोच रहे होंगे कि इसका कलर तो मैच हो नहीं रहा, यार टेंशन क्यों ले रहे हो, कलर भी मैच करेंगे, एक मिनट रुको। तो यहाँ पे ये लग गई। उसके बाद आपने यहाँ पे करना क्या है, एडजस्टमेंट पे जाना है, एडजस्ट पे जाना है। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर है HUE, इस पर आपने क्लिक करना है और इसको इनक्रीज़ कर देना है। और अभी देखो हो गया ना हाथ का और फेस का कलर मैच। उसके बाद आपने करना क्या है, टिक के आइकन पे क्लिक करना है, इरेजर पे क्लिक करना है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको इंक्रीज़ कर लेना है ऐसे। और अभी ये हम क्या करेंगे, ये फालतू वाला जो सामान है ना इसको इरेज कर देंगे इस तरीके से। तो दोस्तों फोटो बन चुकी है हमारी एकदम नंबर वन, और आप इससे भी बेटर बना सकते हैं। ये मैंने आपको डेमो करके दिखाया, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा वीडियो के कितनी एक नंबर वाली फ़ोटो मैंने बनाई हुई थी। तो इस तरीके से आप बना सकते हो बिल्कुल एक नंबर वाली। और अभी हम इसको कर लेते हैं गैलरी के अंदर सेव, और गैलरी के अंदर सेव करने के बाद इंस्टाग्राम पर शेयर करें और लाइफ के इंजॉय करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, ताकि आप देख सकें वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा एक न्यू एक्साइटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, खुदा हाफिज़।